नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आरोपी ट्रक चालक फरार। अमृतसर के गेट हकीमा के नजदीक अंडों की दुकान पर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाया, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालंधर के कस्बा भोगपुर में देर रात टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर राख। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के भक्तावाला दाना मंडी के नजदीक हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति कुलविंदर सिंह, जो कि एक्टिवा पर सवार था और अपने घर से दूध लेने के लिए बाजार आया था, इस दौरान एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण कुलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 50 साल के करीब है और वो मामले की जांच कर रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रक चालक मौके से फरार है और जल्द ही उसे काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रोजाना ही तरह अज दे दिन भी रोज दुध लैन गए थे। दुध लैन जाने तो बाद ट्रक वाले ने बिना पिछे वेखे बारी खोली, जिहदे नाल बारी सीधा उहदे मूँह ते वज्जी चाचा जी दे। उस तों बाद एंटी इधर नूं डेगी, चाचा जी इधर नूं डेगे ते पिछों अन्ने वाह स्पीडां ने ट्रक आ दिया। स्पीडां दे अन्ने कुके होए, कुड़ी होए, कुख नहीं वेख्या थले कौन है कौन नहीं, सीधा चढ़ा के ते कम कर गए। पूरा ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਦੋ ਟਰੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अमृतसर के गेट हकीमा से 100 मीटर की दूरी पर अंडों की दुकान पर एक व्यक्ति को सरेआम गोलियां मारकर कुछ हमलावर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गत दिनों थाना गेट हकीमा के अधीन आते इलाके में जसपाल नामक व्यक्ति का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान प्रिंस उर्फ बॉक्सर दीपक प्रताप उर्फ भोलू और दानिश उर्फ गंगू के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दीपक प्रताप उर्फ भोलू की मृतक जसपाल के साथ पुरानी रंजिश थी और मृतक जसपाल सिंह दीपक प्रताप की माता पर गलत नजर रखता था, जिसके चलते दीपक प्रताप ने जसपाल के कत्ल के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी देकर उसका कत्ल करवाया। उन्होंने बताया कि इस कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है और अभी इनके और साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये भी हरगोबिंद एवेन्यू छाटे का रहने वाला है, तकरीबन 18 साल का हैगा ये। और तीसरा है दानिश एलियस गुगू, ये कोट खालसा अमृतसर का रहने वाला, इसकी उम्र भी तकरीबन 18 साल तो उपर है। मेन गल आई है मोटिव जी निकल के कि भोलू जोड़ा लड़का हैगा दीपक प्रताप, इन्ह के परिवार ना पुराना यशपाल के परिवार ना रंजिश सी, दादा दादी ने भी अंदर कराया सी। उस तो अलावा ये जोड़ा मेन एंगल आया कि जोड़ा दीपक प्रताप भोलू है, इनू डाउट सीगा कि मेरे मदर जड़े हैगे है उन्होंने बारे गलत यदि इंटेंशन हैगी है यशपाल मरण वाले दी, और वो उस मुताबक उन्हों लगता सी कि क्योंकि उदे फादर जेल च ने ते वो कोई एहो जा उन्हों लग्या कि रिलेशनशिप ना डिवेलप हो जाए या हो गया होवे
तो यशपाल जी जड़िया हरकत सगिया उस तो इनू काफ़ी गुस्सा सगा यंगस्टर नू, तो उन्हें इस गुस्से नाल इस इंटेंशन ना ये बंदे तैयार किए जो दीपक प्रिंस बॉक्सर वगैरह हैगे ते दानिश कुकू जो ये पुराने वाकफ सीगे और इन्होंने पहला 2 लाख के पेज में गल हुई सुपारी किलिंग की, फिर अल्टीमेटली 1 लाख रुपया दिता गया। तो इन्होंने उस दिन जाके उन्हें यशपाल उन्होंने गोलियां मारियां ते उन्हां दी मौत हो गई। जालंधर के कस्बा भोगपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां देर रात टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि हादसे में टेंट का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही जालंधर सिटी और भोगपुर से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड के जालंधर स्थित कंट्रोल रूम में बीती रात 11:55 पर सूचना दी गई थी कि थाना भोगपुर के क्षेत्र में एक गोदाम में भीषण आग लगी है। रात के वक्त ड्यूटी पर मौजूद फायर ब्रिगेड अधिकारी सुखबीर सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत भोगपुर के लिए रवाना हो गए। भोगपुर के लिए जालंधर से सिर्फ एक ही गाड़ी भेजी गई थी, बाकी गाड़ियां भोगपुर फायर स्टेशन से ही आई थी। करीब 10 लोगों की टीम ने मिलकर किसी तरह रात करीब 2 बजे तक आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी के साथ साथ आग बुझाने वाली फोम का भी इस्तेमाल किया था। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आग लगने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, मगर गोदाम मालिक के मुताबिक आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सभी तथ्यों की जाँच के बाद फायर ब्रिगेड रिपोर्ट बनाकर आगे भेजेगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग विभाग टीम की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लंबा पिंड चौक क्षेत्र में कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिसका लोगों ने विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम अफसर अजय की देखरेख में बिल्डिंग विभाग की टीम की ओर से शेरे पंजाब के पास स्थित बन रही बिल्डिंग की दीवार को ध्वस्त किया गया। इस दौरान डॉक्टर वीके विश्वास और कुलदीप सिंह ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि लगभग 20 साल पुरानी बिल्डिंग है जो कि वे रिपेयर करवा रहे थे, लेकिन बिल्डिंग विभाग की टीम ने बिना किसी नोटिस के उनके निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में निगम मुलाजिम अजय से संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर हमारी ना पुरानी बिल्डिंग है सर, 20 साल पुरानी मगर एक्सचेंज चल रही है। हमने सिर्फ अपनी ना दीवार को अपनी कवर करनी थी, कोई हमें सर कोई नोट्स नहीं कोई कुछ नहीं आए एकदम दो फिक्र। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हो, आप भी सरकारी मुलाजिम हो? नहीं सर, मेरी अपनी पुरानी जगह है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा काम था? आपने कहा ना एक्सचेंज चल रही थी। पीछे एक्सचेंज चल रही सर। अच्छा, कोई है? हाँ चल रही है। हमारा प्रॉपर्टी है, ये 20 साल पुराना एक्सचेंज बना हुआ है, टेलीफोन एक्सचेंज पीछे चल रहे हैं। ऊपर जो साथ है पहले, मतलब पहले से आता हुआ, नीचे हम जो मतलब बाउंड्री कर रहे थे। हमारा जगह है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। सर जो कॉरपोरेशन वाले आए थे इस पे कार्रवाई करने के लिए, उनका कोई नाम, कोई इंस्पेक्टर का नाम? हाँ, अजय कुमार है। अजय कुमार इंस्पेक्टर है, हाँ, लुधियाना से है। अमृतसर में सुबह लाहौरी गेट के अंदर बोरियां वाले बाजार में एक हलवाई की दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, तो वहीं इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगर समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू ना पाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकान के अंदर पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सागर शर्मा नाम है मेरा, बोरियां ले प्यार दुकान है मेरी। असी काम करते रहे, अगे तो शॉर्ट सर्किट के नाल पिछे अग लग गई, सानू पता नहीं चलिया। इस करके चलो महाराज का फिर भी शुक्र है, बाबा दीप सिंह का जरा बचाव हो गया, तो कोई जानी मानी करना नहीं, बस ठीक है। ओके, दुकान का नुकसान तो चलो होया ही है माड़ा मोटा, चलो वो तो कोई गल नहीं, बाकी फिर भी महाराज का शुक्र करते हैं कि जरा बचाव हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गया। अस मेरा नाम पवन कुमार है, मैं एज ए लीडिंग फायरमैन ब्रिगेड फायर स्टेशन पर। 9:55 के लगभग सानू तलाह मिली कि बोरियां बाजार एक दुकान अग लग गई है। तुरंत फायर टेंडर ब्रिगेड का आप लैके पहुँच गए, मौके पर
सेवा समिति भी नाल ही एट ए टाइम पहुँच गई, नाल साडी गड्डी पहुँच गई। तुरंत फायर टेंडर का पानी चला के अग नूं बुझा दिता गया वै। तो जानी माली नुकसान कोई नहीं आया। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने विवाह वाले दिन को खास बनाने के लिए कुछ ऐसा करे कि जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिला गुरदासपुर के गांव सारचूर के रहने वाले नौजवान सतनाम सिंह ने, जो अपने विवाह वाले दिन पूर्वजों की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए ऊंट पर सवार होकर अजनाला के एक निजी पैलेस में पहुंचा। दुल्हा सतनाम सिंह अपनी माता और अन्य बारातियों के साथ एक ऊंट पर सवार था, जबकि उसके बाकी नजदीकी रिश्तेदार एक और ऊंट और हाथी पर सवार होकर पैलेस की तरफ जा रहे थे। अजनाला दाना मंडी के नजदीक ऊंट और हाथियों पर जब ये बारात पहुंची तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने सड़क पर खड़े होकर इस अनोखे नजारे की तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए दुल्हे सतनाम सिंह ने बताया कि उनके पूर्वज भी इसी तरह ऊंट और हाथियों पर सवार होकर विवाह करवाने जाते थे और उसका भी यही शौक था कि वो अपनी पूर्वजों की तरह ऊंट पर सवार होकर अपनी दुल्हन को विवाह कर लाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम हैप्पी पत्तू है जी, शहर पटा। हाँ जी, ये मेरे चाचे का बेटा है जी। साडा शुरू तो शौक है जी हाथियों ते ऊंटां ते, मतलब साडा सभ्याचार की इदा ही आना ही आना जी। तो बड़ी खुशी हुई है जी, जो अपना ही पुराना कल्चर जो अभी फिर दोबारा चालू किया। मारचूर मेरे बेटे का विआह ही, तो मैं पहली बार मैं महसूस हो रहा है। बड़ी पुरानी रीत सी, ये राजे महाराज चलती आ रही है, ये हुण तक उही चलदा हुण ही दोबारा फिर यही शुरू हुई है जी। हां, देखा कि बंद हो गई सी ते गड्डियां कारा शुरू हो गई सी, पर अज फिर लेकिन ये आडी अपनी रीत सी, बिल्कुल जी रीत सी इस चीज दी। उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल ग्रुप सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फाउंडेशन डे के अवसर पर अंध विद्यालय, पिंगला घर, कुष्ठ आश्रम, अपाहिज आश्रम, नारी निकेतन, यूनिक होम, थैलेसीमिया एनजीओ, तेरा तेरा हट्टी आदि संस्थाओं को 7 लाख की चैरिटी दी गई। फाउंडेशन डे का आयोजन सेंट सोल्जर कैंपस जालंधर अमृतसर बाईपास के पास करवाया गया, जिसकी शुरुआत करते हुए ग्रुप चेयरमैन अनिल चोपड़ा एवं वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, सुषमा हांडा, नीलम कतियाल, राजन चोपड़ा, ऋतु चोपड़ा द्वारा ग्रुप के फाउंडर्स स्वर्गीय आरसी चोपड़ा एवं स्वर्गीय शांता चोपड़ा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। प्रोग्राम में कॉलेज के एमडी प्रोफेसर मनहर अरोड़ा, स्कूल एमडी आरके खन्ना एवं सभी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और 3000 से अधिक स्टाफ मेंबर्स शामिल हुए। इस मौके पर सुपर बॉय आरजे करण ने सभी का मनोरंजन किया और गायक तेजी बाजवा ने अपने गीतों से स्टाफ मेंबर्स को झुमा दिया। यही नहीं, हंसी का पिटारा लेकर चाचा बिश्ना ने भी अपनी प्रस्तुति कर सभी स्टाफ मेंबर्स को खूब हंसाया। इस प्रोग्राम में होटल रमाडा, होटल डेज इन हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स रहे, जिसके बाद ग्रुप द्वारा विभिन्न संस्थाओं को चेक दिए गए। फाउंडेशन डे के बारे में बताते हुए ग्रुप चेयरमैन अनिल चोपड़ा एवं संगीता चोपड़ा ने इस दिन की सभी को बधाई दी और बताया कि ग्रुप आज तक लगभग 1,20,00,000 तक की राशि डोनेट कर चुका है। संगीता चोपड़ा ने सभी को अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहने का संदेश दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। थोड़ी मैं बैकग्राउंड में आपको लेके जाना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं 16 सालों से एक हमारी परंपरा, एक प्रथा जो पूरे देश को, जो भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं,
चाहे वो कॉरपोरेट संस्थान से जुड़े हैं। हमारा ये जो एनुअल चैरिटी इशू है उन सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं, बात करते हैं कि जब आपका ये चैरिटी इशू होता है इसको देखकर हमने ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम अपने अपनी संस्थाओं में भी शुरू किए। और ये आप माने, जब हम यहाँ पर हर साल अपने एक दिन का वेतन जो है उन तमाम समाज के लोगों को जो कि हमारी सेवा के लिए, सेवा की उनको ज़रूरत है, बहुत बार हमने सुना है, कहते भी हैं कि अब तन मन और धन से हमें सेवा करने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो तन से कई बार सेवा हम नहीं कर पाते, मन जरूर करता होता है लेकिन फिर धन की बात आती है। तो समाज के जो डिफरेंट हिस्से हैं, कुछ लोग तन से सेवा करते हैं, हम उन हिस्सों में से हैं, समाज के उस हिस्से में से हैं जो धन के साथ और मन के साथ सेवा करते हैं। अज सेम सोल्जर परिवार के फाउंडेशन डे के उपर मिसेज शांता चोपड़ा और लेट श्री रामचंद्र चोपड़ा को श्रद्धांजलि देंद्या होया, जेडे इस इंस्टीट्यूशन के संस्थापक ने फाउंडेशन डे मनाया गया, जिदे 3000 तो वध स्टाफ मैंबरस ने पार्टीसपेट किया, डिफरेंट ब्रांचिज ने दिल्ली तो लैके जरा जलंधर तक हर ब्रांच के स्टाफ मैंबरस इतने आए और सारे ने एक एक दिन की अपनी सैलरी जी है वो चैरिटी वास्ते दी। उस चैरिटी के असी तकरीबन 1,12,00,000 रुपया अज तक जरा 16 चैरिटी शो वा वो असी डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन जरा दे चुके हैं। अज मैं फाउंडेशन डे के उत्ते सेंट सोल्जर के परिवार के सदस्य जोड़े इतने आए हैं उन्होंने वेलकम भी कहना, और मैं विश्वास रखता कि कोई एक ऑर्गनाइजेशन दे विच एक आदमी एक मैनेजमेंट इन्ना काम नहीं कर सकती, ये सारिया का साथ है जिदे नाल अज 45,000 तो उपर स्टूडेंट जोड़ा वो साडे सेंट सोल्जर के शिक्षा ग्रहण कर रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रवक्ता वरिंदर वशिष्ठ गुरुनगरी अमृतसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए वरिंदर वशिष्ठ ने कहा कि केंद्र की सरकार झूठ की गारंटी की सरकार है और झूठी गारंटियां देकर उसने सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने किसान, नौजवान और जवान सभी को खुश रखा था, उस समय सभी खुशहाल थे, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार के चलते सभी परेशान हैं, क्योंकि किसानी, जवानी और मजदूरों को इस सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार के प्रमुख और विधायक रमन अरोड़ा के प्रयास से साईदास स्कूल पटेल चौक ग्राउंड में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन की शुरुआत महानगर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल डॉक्टर कमलप्रीत सारंगल, विधायक शीतल अंगुराल, मीतू अंगुराल, राजन अंगुराल, आप वरिष्ठ नेता मोहिंदर भगत, मनोज नन्ना सहित विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी, आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा, राजकुमार मदान, महेश मखीजा, कविता सेठ, श्वेता धीर, पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू, लवली स्वीट के मालिक नरेश मित्तल, रमेश मित्तल, मधु मित्तल, रश्मि मित्तल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुमधुर वर्णन किया। भक्तों ने गोवर्धन पूजा का सजीव चित्रण कर भगवान को 56 भोग लगाए। कथा के दौरान जया किशोरी के साथ कृष्ण लीला में कान्हा की भक्ति से सराबोर होकर भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। इस अवसर पर गणमान्यों द्वारा आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा, गीता अरोड़ा, राजकुमार मदान, राधा मदान, महेश मखीजा, ममता मखीजा, बॉबी मखीजा, राहुल बाहरी, दविंदर वर्मा को विशेष सम्मान से नवाजते हुए भविष्य में भी ऐसे सफल आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी जो श्री कष्ट निवारण बालाजी परिवार वालों जो बहुत ही उच्च पद्धर के उपर भगवत कथा का विमोचन काफ़ी दिनों तो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक दीदी जया किशोरी जी सानू सारे वास्ते बहुत खुशी की गल है कि सानू इतने महान कथावाचक का प्रवचन सुन का मौका मिलया है। मैं सब तो ज़्यादा धन्यवाद अपने छोटे वीर हलका विधायक श्री रमन अरोड़ा जी का जिन्होंने इतना वड्डा प्रयास करके जंदर शहर की सारी जनता नू सारे सेवकों नू सारिया संगतों नू ये जो समा मुहैया कराया है मैं तह दिलों धन्यवाद करना और नाल भगवान राम जी अगे एक अरदास करना कि मेरे छोटे वीर उपर इदा ही अपनी मेहर भरिया रखना ताकि जिमें समाज की सेवा करके बचण कर रहे ने मैं देख रहा सारे शहर दियाँ सारिया संगत खास करके मेरिया माता भैन मेरे वीर होम हमा के आए ने। मैं खास करके बहुत बहुत वधाई देना चाहना श्री बालाजी सेवा कष्ट निवारण परिवार को साढ़े MLA साहब न जिन्हां दे सदका असी अज सारे एक विश्व प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी नूं सुनांगे। बहुत सारे समागम मैं देखे पर इस तरीके का समागम मैं पहली बारी देखा। मैं पूरी ताड़ी टीम नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना बधाई देना कि तुसी इस तरीके का उपराला किया। खास करके साढ़े MLA साहब रमन अरोड़ा जी जिन्हां ने इस तरीके का प्रोग्राम लिखिया एंड हर साल की तरह इस साल इनू प्रोग्राम नू पिछले साल नालों होर वादा किया। सो खास करके इन्हां नू बहुत बहुत बधाई देना चाहना। हुणे मैनू MLA साहब दस रहे सीगे कि इस प्रोग्राम नू जदों असी पूरा तैयार करते हैं एक एक वलंटीयर नाल आके किदां इस वड्डे प्रोग्राम नू इस लेवल ते लेके आंदा है। सो हर उस ताड़ी टीम दे मैंबर नू भी बहुत बहुत मुबारकबाद ते बधाई देना जेड़े इस वड्डे प्रोग्राम नू इस लेवल ते लिया के सफल बनांदे आ। ट्रस्ट महाकाली मंदिर श्री देवी तालाब मंदिर में नवकुंडिया अद्भुत शांति शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस चल रहे महायज्ञ के आठवें दिन विशेष रूप से दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज ने विशेष तौर पर पहुंचकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस दौरान विधिवत ढंग से मंत्रों उच्चारण सहित चंडी पाठ किया गया। यज्ञाचार्य राधेश्याम शर्मा, उप यज्ञाचार्य राजकिशोर राजगुरु जी, विद्वान रामेश्वर दयाल शर्मा, पंडित अशोक पांडे, पंडित चंदन पांडे, दुर्गेश शास्त्री, पंडित महेश शर्मा, पंडित अनिल शुक्ला, पंडित वीरेंद्र चौबे, पंडित देवेंद्र तिवारी, सुशील तिवारी, हर्ष वशिष्ठ, शिवम शुक्ला के एक स्वर में मंत्रों को श्रवण कर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, प्रवीण दवेश्वर, मनोज अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता, काला गुप्ता, संजीव अंग्रीश, जितेंद्र कुमार, राजेश शर्मा, बंटी कश्यप, अभिषेक अलंग, नवजोत अनिरुद्ध तिवारी, अभिषेक कपूर, राजेश चड्ढा, चंद्रशेखर ने भी हवन यज्ञ में भाग लेकर मां जगदम्बा भवानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राजेश्वरी धाम देवी राजरानी वैष्णो मंदिर बस्ती शेख रोड जालंधर में दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष में मां की चौकी करवाई गई, जिसमें देवी राजरानी ने मंदिर में आए सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान कैलाश बब्बर ने आए भक्तों को मां की चुनरी प्रसाद देकर सम्मानित किया। मंदिर हाजिरी लगवाने आए प्रदीप पुजारी एंड पार्टी पंकज ठाकुर एंड पार्टी को मंदिर की तरफ से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया, तो वहीं सदस्यों की ओर से दैनिक सवेरा की टीम का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर प्रधान कैलाश बब्बर, रामकिशन नानू, विजय दुआ, सुरेंद्र अरोड़ा, युद्धराज सिंह, पवन नागपाल, ज्योति बब्बर, सतीश बब्बर, साधुराम कालिया, पंकज ठाकुर, कृष्ण अरोड़ा, अमन बत्रा, अविनाश चोपड़ा, डिंपल और साहिल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट। सिर्फ इन्ना ही कहना होंगे शीतल भाजी
अज जागरण है भगवत की माता तुम पहुंचना तो उन्होंने जल्दी मां के दरबार से फिर बुलावे उन्होंने बेटे अभिषेक वीर जी पहुंचे सी सानू यही लगा कि साडे वीर शीतल वीर जी आ गए ने तो मैं उन्होंने एक बेनती की थी कि हर महीने भगवती मां के दरबार से अष्टमी हो दुर्गा अष्टमी जिदा अब दुर्गा अष्टमी है गोपा अष्टमी हो तो मां के दरबार से बहुत अच्छे कलाकार जड़े ने भगवती मां के दरबार से हाजरी लगाते हैं जिस तरह मेरे वीर प्रदीप पुजारी भी काफ़ी देर बाद इन्हों मौका मिले है तो मां के दरबार से सारे हाजरी लगाते हैं तो मैं बेनती ये करा सारे कि भगवती मां जो साड़ी मां मां देवी राजरानी है इन्होंने भी स्वास्थ वास्ते भगवती मां के सारे अरदास करना कि जल्दी जल्दी ये भी गान भगतान भेटा सुना जिस तरह सारे भेटा गा के मैं हाथ करते सी इस तरह सारी संगत बहुत उतावली है बड़ी उदास है तो मां जी अपने भजन राही ही सारे बच्चों को आशीर्वाद देंगे सी हूँ भी देंगे है इस दरबार ही ऐसा है कि कोई भी भगत सच्ची श्रद्धा भावना के नाल जिहड़ा दरबार ते आके सी चुकांदा उहदी आस प्राप्त हो जाती है इहो दरबार है प्राचीन दरबार है मैं पहले भी दस्सिया 55 साल हो गए ने शिलान्यास मंदिर दे ते तुसीं आपके हिसाब लगा लो किन्नी किन्नी तुहाडी उम्र है तो विच साहब शीतल विच साडे वड्डे भाई साहब ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके पश्चात भजन गायक राजू चांद एंड पार्टी रामा मंडी वाले ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गलहोत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पिछले शुक्रवार भी तुहानू दस्या सी मां दे इस मंदिर दे सेवक जो अज साडे विच नहीं ने बहु बलबीर निर्दोष जी उन्हां दी चौथी पुन्य तिथि ते लंबा पिंड अर्जुन नगर दे विच अर्जुन नगर लंबा पिंड दे विच साडे छोटे वीर दीपक चांजी दे घर दे कोल एक विशाल भजन मेला जिहड़ा है उत्थे हो रहा है। ये पुन्य तिथि ते
जो चौकी महाराणी की होगी 6 बजे तो लैके 7 बजे तक चालीसा पाठ पढ़िया जाएगा। 7 बजे तो लैके तो महाराणी की इच्छा तक साढ़े छोटे वीर शिव भारद्वाज जी लुधियाने वाले आके महाराणी का गुणगान करेंगे। उस तो बाद प्रसाद रूपी लंगर होएगा। सारी संगत हम आके पहुँच के उस बाबू जी को याद करते हुए उन्होंने श्रद्धा के फुल चढ़ाए जाएंगे। उत्ते तो सारी संगत अगर बेनती है कि पहुँच के महाराणी का आशीर्वाद लो और बिछवी आत्मा को याद करके उन्होंने नमस्कार करना है। हर संक्रांत तो बाद हर संक्रांति तो बाद जो अगला एतवार आता है उस दिन महाराणी के इस दरबार चुपहरा होता है जो परसों एतवार है और एतवार 12 बजे तो लैके महाराणी की इच्छा तक होएगा। सारी संगत उससे भी पहुँचो और महाराणी का आशीर्वाद लो। और संगत को एक होर भी जरूरी गल दसना चाहवागा कि 5 अप्रैल को 5 अप्रैल दिन शुक्रवार महाराणी के इस दरबार का सालाना मेला है जो सवेरे 8 बजे तो चलेगा और देर रात तक चलता रहेगा जिस दे विच अलग अलग कलाकार बड़ी दूर दूर तो आके महाराणी का आशीर्वाद लैणगे जिस दे विच कई तरह के लंगर लगाए जाणगे स्टाल लगाए जाणगे। जिन्हां मेरे वीरां ने साडे साथियों ने कोई लंगर लगाना होवे वो सानू अपना नोट करवा दें ताकि सानू टाइम के नाल जगह और टेबल वगैरह जो उन्हें चाहिए हो प्रोवाइड करवा सको। सारी संगत मेले की तैयारी कर लो। मेरे वीर राज जी बैठे जी ने होर मेरे साथी ने सुनील जी दमन जी ये सारे 5 तरीक तो असं शुरू करांगे महाराणी के दरबार की एक कलैक्शन जिन्होंने अपना अपना योगदान किसी किस्म का भी पाना हो इतने दे के वो रसीद जरूर लैके जाए बेनती है। जिमें कि जानते हो कि मंदिर का भव्य रूप बनन जा रहा है जिसने किसी किस्म का कोई भी योगदान पाना हो सानू दे के गले च भी पा सकता है और दे के रसीद जरूर लैके जा। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 9वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा में जाकर संपन्न हुई जहां पर सांसद सुशील रिंकू विधायक शीतल अंगुराल लाली अंगुराल की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदन लाल खिंदर सचिव सतपाल पाला ओम प्रकाश लोच वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव महेश अंगुराल अमरनाथ कुलदीप लक्की घई कैशियर बलबीर लोच विजय पाठी सौरभ वसन चमन पाठी गुरदयाल पाठी अजय डालिया चरणदास कलसी पवन कुमार रूबी जंग बहादुर जैकी कमल डालिया लकी स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती सचिव कृष्णा देवी संतोष रमा जसबीर उषा लोच शोभा मीनिया अरुणा लोच राजरानी विमला विष्णु कुसुम रानी लोच कांता बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ
सिटी ग्रुप का नौवां कन्वोकेशन समारोह शैक्षणिक उपलब्धि का एक भव्य उत्सव था, जिसमें शाहपुर और मकसूदा कैंपस के योग्य स्नातकों को 1200 से अधिक डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल को एलपीयू के चांसलर की गरिमामयी उपस्थिति से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मित्तल ने स्नातक छात्रों को अपने संबोधन में आजीवन सीखने के महत्व पर जोर दिया और उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, नरेश मित्तल, लवली ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विक्रमजीत सिंह बाजवा, अकादमिक मामलों के डीन आप पंजाब प्रवक्ता, महिला विंग अध्यक्ष प्रोफेसर राजविंदर कौर थियाड़ा, डॉक्टर एस अमरिंदर सिंह धीमान, सीआईआई जालंधर जोन के चेयरमैन और धीमान ग्रुप के चेयरमैन और एमडी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जोलोटो ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष एसवी हंस और समरसेट समूह के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सहित विभिन्न उद्योगों की प्रमुख हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। इस आयोजन में जापान के साथ प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग में वृद्धि हुई। इस दौरान सिटी ग्रुप के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। जालंधर से हलचल के लिए कुश चावला की विशेष रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आरोपी ट्रक चालक फरार। अमृतसर के गेट हकीमा के नजदीक अंडों की दुकान पर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाया, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालंधर के कस्बा भोगपुर में देर रात टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।